नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी चौपाल में। साथियों, बहुत ही बेसब्री से आप सभी का इंतजार था कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट कब जारी होगा। तो दोस्तों, यहां पर 31 मार्च 2024 को यहां पर बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन की मदद से, आपको कोई कैफे कोई प्राज्ञा केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने फोन की मदद से किस प्रकार से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन और जानकारी के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जाते हैं आगे और जानते हैं कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मोबाइल फोन ले लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल में कोई भी ब्राउजर खोल लेना है अपने मोबाइल में, क्रोम ब्राउजर हो, जो भी आपका ब्राउजर यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे खोल लेना है। और सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्च करना है BSEBmatric.org। जी हाँ दोस्तों, BSEBmatric.org यहाँ पे स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा, वो आपको सर्च करना है। फिर दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग मोबाइल फोन में आपको सर्च करके दिखाते हैं BSEBmatric.org। सर्च जैसे ही दोस्तों आप सर्च करते हैं तो आपको इस प्रकार का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसे हम जैसे ही दोस्तों गूगल में आप सर्च करते हैं, आपको इस प्रकार का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको दो चीज मांगा जाएगा, यहाँ पर आपको रोल कोड, अपना रोल कोड और अपना रोल नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने एडमिट कार्ड में ये मिल जाएगा। तो वहां से आप देख के रोल कोड और रोल नंबर आपको डाल देना है, उल्टा नहीं डालना है। सबसे पहले तो आपको रोल कोड ऊपर में डालना है, उसके बाद आपको रोल नंबर डालना है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये कैप्चा दिखाई देगा, यहाँ पे प्लस करने के लिए यानी कि ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, तो जो भी है उसको ऐड करके इस बॉक्स में आपको डाल देना है। और दोस्तों यहाँ पर सर्च रिजल्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपका मार्कशीट खुल के आ जाएगा, आपका कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है, आप पास है या फिर फेल है, पूरी डिटेल्स में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी मिले हो, तो जरूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही जानकारी के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।